दोस्तों, अगर अभी मैं तेरा हीरो मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले मैं तेरा हीरो मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 4 अप्रैल 2014 को रिलीज हुई कॉमेडी एक्शन मूवी मैं तेरा हीरो। इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग के बारे में, तो दोस्तों 10 में से 5.1 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। और दोस्तों 33% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, 77% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। तो दोस्तों, इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 8 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 8 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको वरुण धवन, नरगिस फाकरी, इलियाना डी क्रूज, अरुण देव सिंह, एविलिन शर्मा, अनुपम खेर आदि कलाकार हैं, भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के बजट के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 29 करोड़ के करीब था। और दोस्तों, इस मूवी ने 78 करोड़ का कारोबार किया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। दोस्तों, यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, मैं तेरा हीरो 4 अप्रैल 2014 को आलोचनाओं से मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर व्यवसाय रूप से सफल रही है। ऊटी के एक कॉलेज में श्रीनाथ प्रसाद उर्फ सिन्नू अपने अंतिम परीक्षा में 2 अंकों से फेल हो जाता है। डिग्री पाने के लिए उत्सुक वह प्रोफेसर की बेटी को उसकी शादी के दौरान अगवा कर लेता है। अपने प्रोफेसर की उनकी बेटी की बेटी के बदले में 2 अंक मांगता, हालांकि शिनु गलती से उसे छोड़ देता और अपने माता पिता को अपने घर में आने देता और उसकी योजना विफल हो जाती है। हालांकि शिनु के पिता उसे अपने शॉपिंग मॉल में नौकरी का प्रस्ताव देते हैं, लेकिन शिनु बेंगलोर के टिप्ट कॉलेज से डिग्री लेने की योजना बनाता है। वह ऊटी से बेंगलोर के लिए ट्रेन पकड़ता है। ट्रेन में वह किशोर लड़कियों को एक समूह को नुकसान पहुंचाने वाले गिरोह की पिटाई करता है। जब सिनु बेंगलोर पहुंचता है, तो वहां रहने वाला उसका एक दोस्त अनिच्छा से उसे अपने घर में रहने की अनुमति देता है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा।
यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को जरूर से जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है और यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी मैं तेरा हीरो मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले मैं तेरा हीरो मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 4 अप्रैल 2014 को रिलीज हुई कॉमेडी एक्शन मूवी मैं तेरा हीरो, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDB रीडिंग के बारे में तो दोस्तों 10 में से 5.1 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। और दोस्तों 33% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों 77% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। तो दोस्तों इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 8 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 8 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको वरुण धवन, नरगिस फाकरी, इलियाना डी क्रूज, अरुण दे सिंह, एविलिन शर्मा, अनुपम खेर आदि कलाकार हैं भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का बजट 29 करोड़ के करीब था और दोस्तों इस मूवी ने 78 करोड़ का कारोबार किया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। दोस्तों यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा।
बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, मैं तेरा हीरो 4 अप्रैल 2014 को आलोचनाओं से मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर व्यवसाय रूप से सफल रही है। ऊटी के एक कॉलेज में श्रीनाथ प्रसाद उर्फ सिन्नू अपने अंतिम परीक्षा में 2 अंकों से फेल हो जाता है। डिग्री पाने के लिए उत्सुक वह प्रोफेसर की बेटी को उसकी शादी के दौरान अगवा कर लेता है। अपने प्रोफेसर की उनकी बेटी की बेटी के बदले में 2 अंक मांगता है। हालांकि सिन्नू गलती से उसे छोड़ देता और अपने माता पिता को अपने घर में आने देता और उसकी योजना विफल हो जाती है। हालांकि सिन्नू के पिता उसे अपने शॉपिंग मॉल में नौकरी का प्रस्ताव देते लेकिन सिन्नू बेंगलोर के टिप्ट कॉलेज से डिग्री लेने की योजना बनाता है। वह ऊटी से बेंगलोर के लिए ट्रेन पकड़ता है। ट्रेन में वह किशोर लड़कियों का एक समूह को नुकसान पहुंचाने वाले गिरोह की पिटाई करता है। जब सिन्नू बेंगलोर पहुंचता है तो वहां रहने वाला उसका एक दोस्त अनिच्छा से उसे अपने घर में रहने की अनुमति देता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को जरूर से जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है और यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी मैं तेरा हीरो मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले मैं तेरा हीरो मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 4 अप्रैल 2014 को रिलीज हुई कॉमेडी एक्शन मूवी मैं तेरा हीरो, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग के बारे में, तो दोस्तों 10 में से 5.1 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। और दोस्तों 33% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों 77% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। तो दोस्तों इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 8 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना,
यह मूवी 2 घंटे 8 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको वरुण धवन, नरगिस फाकरी, इलियाना डी क्रूज, अरुण दे सिंह, एविलिन शर्मा, अनुपम खेर आदि कलाकार हैं भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का बजट 29 करोड़ के करीब था और दोस्तों इस मूवी ने 78 करोड़ का कारोबार किया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। दोस्तों यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, मैं तेरा हीरो 4 अप्रैल 2014 को आलोचनाओं से मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर व्यवसाय रूप से सफल रही है। ऊटी के एक कॉलेज में श्रीनाथ प्रसाद उर्फ सिन्नू अपनी अंतिम परीक्षा में 2 अंकों से फेल हो जाता है। डिग्री पाने के लिए उत्सुक वह प्रोफेसर की बेटी को उसकी शादी के दौरान अगवा कर लेता है। अपने प्रोफेसर की उनकी बेटी के बदले में 2 अंक मांगता, हालांकि सिनू गलती से उसे छोड़ देता और अपने माता पिता को अपने घर में आने देता और उसकी योजना विफल हो जाती है। हालांकि सिनू के पिता उसे अपने शॉपिंग मॉल में नौकरी का प्रस्ताव देते लेकिन सिनू बेंगलोर के टिप्ट कॉलेज से डिग्री लेने की योजना बनाता है। वह ऊटी से बेंगलोर के लिए ट्रेन पकड़ता है। ट्रेन में वह किशोर लड़कियों को एक समूह को नुकसान पहुंचाने वाले गिरोह की पिटाई करता है। जब सिनू बेंगलोर पहुंचता तो वहां रहने वाला उसका एक दोस्त अनिच्छा से उसे अपने घर में रहने की अनुमति देता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर YouTube पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा, हमारे चैनल को जरूर से जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है और यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी मैं तेरा हीरो मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले मैं तेरा हीरो मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 4 अप्रैल 2014 को रिलीज हुई कॉमेडी एक्शन मूवी मैं तेरा हीरो, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग के बारे में तो दोस्तों 10 में से
5.1 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। और दोस्तों 33% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों 77% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। तो दोस्तों इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 8 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 8 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको वरुण धवन, नरगिस फाकरी, इलियाना डी क्रूज, अरुण दे सिंह, एविलिन शर्मा, अनुपम खेर आदि कलाकार हैं भूमिका निभाते नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का बजट 29 करोड़ के करीब था और दोस्तों इस मूवी ने 78 करोड़ का कारोबार किया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। दोस्तों यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, मैं तेरा हीरो 4 अप्रैल 2014 को आलोचनाओं से मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर व्यवसाय रूप से सफल रही है। ऊटी के एक कॉलेज में श्रीनाथ प्रसाद और सिन्नू अपने अंतिम परीक्षा में 2 अंकों से फेल हो जाता है। डिग्री पाने के लिए उत्सुक वह प्रोफेसर की बेटी को उसकी शादी के दौरान अगवा कर लेता है। अपने प्रोफेसर की उनकी बेटी के बदले में 2 अंक मांगता, हालांकि सिन्नू गलती से उसे छोड़ देता और अपने माता पिता को अपने घर में आने देता और उसकी योजना विफल हो जाती है। हालांकि सिन्नू के पिता उसे अपने शॉपिंग मॉल में नौकरी का प्रस्ताव देते लेकिन सिन्नू बेंगलोर के टिप्ट कॉलेज से डिग्री लेने की योजना बनाता और वह ऊटी से बेंगलोर के लिए ट्रेन पकड़ता है। ट्रेन में वह किशोर लड़कियों को एक समूह को नुकसान पहुंचाने वाले गिरोह की पिटाई करता है। जब सिन्नू बेंगलोर पहुंचता है तो वहां रहने वाला उसका एक दोस्त अनिच्छा से उसे अपने घर में रहने की अनुमति देता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को जरूर से जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है और यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी मैं तेरा हीरो मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले मैं तेरा हीरो मूवी के बारे में।
तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 4 अप्रैल 2014 को रिलीज हुई कॉमेडी एक्शन मूवी में तेरा हीरो, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग के बारे में तो दोस्तों 10 में से 5.1 की दमदार रीडिंग मिली हुई है और दोस्तों 33% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों 77% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। तो दोस्तों इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 8 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 8 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको वरुण धवन, नरगिस फाकरी, इलियाना डी क्रूज, अरुण दे सिंह, एविलिन शर्मा, अनुपम खेर आदि कलाकार हैं भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का बजट 29 करोड़ के करीब था और दोस्तों इस मूवी ने 78 करोड़ का कारोबार किया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। दोस्तों यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, मैं तेरा हीरो 4 अप्रैल 2014 को आलोचनाओं से मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर व्यवसाय रूप से सफल रही है। ऊटी के एक कॉलेज में श्रीनाथ प्रसाद उर्फ सिन्नू अपने अंतिम परीक्षा में 2 अंकों से फेल हो जाता है। डिग्री पाने के लिए उत्सुक वह प्रोफेसर की बेटी को उसकी शादी के दौरान अगवा कर लेता है। अपने प्रोफेसर की उनकी बेटी के बदले में 2 अंक मांगता है। हालांकि सिनू गलती से उसे छोड़ देता है और अपने माता पिता को अपने घर में आने देता है, उसकी योजना विफल हो जाती है। हालांकि सिनू के पिता उसे अपने शॉपिंग मॉल में नौकरी का प्रस्ताव देते हैं, लेकिन सिनू बेंगलोर के टिप्ट कॉलेज से डिग्री लेने की योजना बनाता है। वह उटी से बेंगलोर के लिए ट्रेन पकड़ता है। ट्रेन में वह किशोर लड़कियों का एक समूह को नुकसान पहुंचाने वाले गिरोह की पिटाई करता है। जब सिनू बेंगलोर पहुंचता है तो वहां रहने वाला उसका एक दोस्त अनिच्छा से उसे अपने घर में रहने की अनुमति देता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को जरूर से जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा।
दोस्तों यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है और यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी मैं तेरा हीरो मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले मैं तेरा हीरो मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 4 अप्रैल 2014 को रिलीज हुई कॉमेडी एक्शन मूवी मैं तेरा हीरो, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग के बारे में, तो दोस्तों 10 में से 5.1 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। और दोस्तों 33% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों 77% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। तो दोस्तों इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 8 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 8 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको वरुण धवन, नरगिस फाकरी, इलियाना डी क्रूज, अरुण दे सिंह, एविलिन शर्मा, अनुपम खेर आदि कलाकार हैं भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के बजट के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 29 करोड़ के करीब था और दोस्तों इस मूवी ने 78 करोड़ का कारोबार किया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। दोस्तों यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, मैं तेरा हीरो 4 अप्रैल 2014 को आलोचनाओं से मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर व्यवसाय रूप से सफल रही है। ऊटी के एक कॉलेज में श्रीनाथ प्रसाद उर्फ सिन्नू अपनी अंतिम परीक्षा में 2 अंकों से फेल हो जाता है। डिग्री पाने के लिए उत्सुक वह प्रोफेसर की बेटी को उसकी शादी के दौरान अगवा कर लेता है।
अपने प्रोफेसर की उनकी बेटी के बदले में 2 अंक मांगता है। हालांकि शिनू गलती से उसे छोड़ देता और अपने माता पिता को अपने घर में आने देता और उसकी योजना विफल हो जाती है। हालांकि शिनू के पिता उसे अपने शॉपिंग मॉल में नौकरी का प्रस्ताव देते हैं, लेकिन शिनू बेंगलोर के टिप्ट कॉलेज से डिग्री लेने की योजना बनाता है और वह ऊटी से बेंगलोर के लिए ट्रेन पकड़ता है। ट्रेन में वह किशोर लड़कियों का एक समूह को नुकसान पहुंचाने वाले गिरोह की पिटाई करता है। जब शिनू बेंगलोर पहुंचता है तो वहां रहने वाला उसका एक दोस्त अनिच्छा से उसे अपने घर में रहने की अनुमति देता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा, हमारे चैनल को जरूर से जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है और यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी मैं तेरा हीरो मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले मैं तेरा हीरो मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 4 अप्रैल 2014 को रिलीज हुई कॉमेडी एक्शन मूवी मैं तेरा हीरो, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDB रीडिंग के बारे में तो दोस्तों 10 में से 5.1 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। और दोस्तों 33% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों 77% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। तो दोस्तों इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 8 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 8 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको वरुण धवन, नरगिस फाकरी, इलियाना डी क्रूज, अरुण दे सिंह, एविलिन शर्मा, अनुपम खेर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं।
तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का बजट 29 करोड़ के करीब था और दोस्तों इस मूवी ने 78 करोड़ का कारोबार किया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। दोस्तों यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, मैं तेरा हीरो 4 अप्रैल 2014 को आलोचनाओं से मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर व्यवसाय रूप से सफल रही है। ऊटी के एक कॉलेज में श्रीनाथ प्रसाद उर्फ सिन्नू अपने अंतिम परीक्षा में 2 अंकों से फेल हो जाता है। डिग्री पाने के लिए उत्सुक वह प्रोफेसर की बेटी को उसकी शादी के दौरान अगवा कर लेता है। अपने प्रोफेसर की उनकी बेटी के बदले में 2 अंक मांगता है। हालांकि शिनु गलती से उसे छोड़ देता और अपने माता पिता को अपने घर में आने देता और उसकी योजना विफल हो जाती है। हालांकि शिनु के पिता उसे अपने शॉपिंग मॉल में नौकरी का प्रस्ताव देते हैं, लेकिन शिनु बेंगलोर के टिप्ट कॉलेज से डिग्री लेने की योजना बनाता है। वह ऊटी से बेंगलोर के लिए ट्रेन पकड़ता है। ट्रेन में वह किशोर लड़कियों का एक समूह को नुकसान पहुंचाने वाले गिरोह की पिटाई करता है। जब सिनु बेंगलोर पहुंचता है तो वहां रहने वाला उसका एक दोस्त अनिच्छा से उसे अपने घर में रहने की अनुमति देता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को जरूर से जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है और यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी मैं तेरा हीरो मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले मैं तेरा हीरो मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 4 अप्रैल 2014 को रिलीज हुई कॉमेडी एक्शन मूवी मैं तेरा हीरो, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग के बारे में तो दोस्तों 10 में से 5.1 की दमदार रीडिंग मिली हुई है और दोस्तों 33% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए।
दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों 77% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। तो दोस्तों इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 8 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 8 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको वरुण धवन, नरगिस फाकरी, इलियाना डी क्रूज, अरुण दे सिंह, एविलिन शर्मा, अनुपम खेर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का बजट 29 करोड़ के करीब था और दोस्तों इस मूवी ने 78 करोड़ का कारोबार किया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। दोस्तों यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, मैं तेरा हीरो 4 अप्रैल 2014 को आलोचनाओं से मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर व्यवसाय रूप से सफल रही है। ऊटी के एक कॉलेज में श्रीनाथ प्रसाद उर्फ सिन्नू अपने अंतिम परीक्षा में 2 अंकों से फेल हो जाता है। डिग्री पाने के लिए उत्सुक वह प्रोफेसर की बेटी को उसकी शादी के दौरान अगवा कर लेता है। अपने प्रोफेसर की उनकी बेटी के बदले में 2 अंक मांगता, हालांकि सिन्नू गलती से उसे छोड़ देता और अपने माता पिता को अपने घर में आने देता और उसकी योजना विफल हो जाती है। हालांकि सिन्नू के पिता उसे अपने शॉपिंग मॉल में नौकरी का प्रस्ताव देते हैं, लेकिन सिन्नू बेंगलोर के टिप्ट कॉलेज से डिग्री लेने की योजना बनाता है। वह ऊटी से बेंगलोर के लिए ट्रेन पकड़ता है। ट्रेन में वह किशोर लड़कियों का एक समूह को नुकसान पहुंचाने वाले गिरोह की पिटाई करता है। जब सिन्नू बेंगलोर पहुंचता है तो वहां रहने वाला उसका एक दोस्त अनिच्छा से उसे अपने घर में रहने की अनुमति देता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को जरूर से जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है और यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी मैं तेरा हीरो मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले मैं तेरा हीरो मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा।
4 अप्रैल 2014 को रिलीज हुई कॉमेडी एक्शन मूवी मैं तेरा हीरो। इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग के बारे में, तो दोस्तों 10 में से 5.1 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। और दोस्तों 33% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों 77% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। तो दोस्तों इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 8 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 8 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको वरुण धवन, नरगिस फाकरी, इलियाना डी क्रूज, अरुण दे सिंह, एविलिन शर्मा, अनुपम खेर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के बजट के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 29 करोड़ के करीब था। और दोस्तों इस मूवी ने 78 करोड़ का कारोबार किया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। दोस्तों यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, मैं तेरा हीरो 4 अप्रैल 2014 को आलोचनाओं से मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर व्यवसाय रूप से सफल रही है। ऊटी के एक कॉलेज में श्रीनाथ प्रसाद उर्फ सिन्नू अपनी अंतिम परीक्षा में 2 अंकों से फेल हो जाता है। डिग्री पाने के लिए उत्सुक वह प्रोफेसर की बेटी को उसकी शादी के दौरान अगवा कर लेता है। अपने प्रोफेसर की उनकी बेटी के बदले में 2 अंक मांगता है। हालांकि सिनू गलती से उसे छोड़ देता और अपने माता पिता को अपने घर में आने देता और उसकी योजना विफल हो जाती है। हालांकि सिनू के पिता उसे अपने शॉपिंग मॉल में नौकरी का प्रस्ताव देते लेकिन सिनू बेंगलोर के टिफ्ट कॉलेज से डिग्री लेने की योजना बनाता है। वह ऊटी से बेंगलोर के लिए ट्रेन पकड़ता है। ट्रेन में वह किशोर लड़कियों को एक समूह को नुकसान पहुंचाने वाले गिरोह की पिटाई करता है। जब सिनू बेंगलोर पहुंचता तो वहां रहने वाला उसका एक दोस्त अनिच्छा से उसे अपने घर में रहने की अनुमति देता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर YouTube पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा। हमारे चैनल को जरूर से जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा।
और दोस्तों इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है और यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी मैं तेरा हीरो मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले मैं तेरा हीरो मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 4 अप्रैल 2014 को रिलीज हुई कॉमेडी एक्शन मूवी मैं तेरा हीरो। इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग के बारे में तो दोस्तों 10 में से 5.1 की दमदार रीडिंग मिली हुई है और दोस्तों 33% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों 77% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। तो दोस्तों इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 8 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 8 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको वरुण धवन, नरगिस फाकरी, इलियाना डी क्रूज, अरुण दे सिंह, एविलिन शर्मा, अनुपम खेर आदि कलाकार हैं भूमिका निभाते नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का बजट 29 करोड़ के करीब था और दोस्तों इस मूवी ने 78 करोड़ का कारोबार किया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। दोस्तों यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, मैं तेरा हीरो 4 अप्रैल 2014 को आलोचनाओं से मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर व्यवसाय रूप से सफल रही है। ऊटी के एक कॉलेज में श्रीनाथ प्रसाद उर्फ सिन्नू अपने अंतिम परीक्षा में 2 अंकों से फेल हो जाता है। डिग्री पाने के लिए उत्सुक वह प्रोफेसर की बेटी को उसकी शादी के दौरान अगवा कर लेता है। अपने प्रोफेसर की उनकी बेटी के बदले में 2 अंक मांगता है। हालांकि सिनु गलती से उसे छोड़ देता और अपने माता पिता को अपने घर में आने देता और उसकी योजना विफल हो जाती है। हालांकि सिनु के पिता उसे अपने शॉपिंग मॉल में नौकरी का प्रस्ताव देते लेकिन सिनु बेंगलोर के
टिप्ट कॉलेज से डिग्री लेने की योजना बनाता है। वह ऊटी से बेंगलोर के लिए ट्रेन पकड़ता है। ट्रेन में वह किशोर लड़कियों का एक समूह को नुकसान पहुंचाने वाले गिरोह की पिटाई करता है। जब सीनू बेंगलोर पहुंचता है तो वहां रहने वाला उसका एक दोस्त अनिच्छा से उसे अपने घर में रहने की अनुमति देता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को जरूर से जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है और यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी मैं तेरा हीरो मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले मैं तेरा हीरो मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 4 अप्रैल 2014 को रिलीज हुई कॉमेडी एक्शन मूवी मैं तेरा हीरो, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग के बारे में तो दोस्तों 10 में से 5.1 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। और दोस्तों 33% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों 77% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। तो दोस्तों इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 8 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 8 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको वरुण धवन, नरगिस फाकरी, इलियाना डी क्रूज, अरुण दे सिंह, एविलिन शर्मा, अनुपम खेर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा।
बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का बजट 29 करोड़ के करीब था और दोस्तों इस मूवी ने 78 करोड़ का कारोबार किया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। दोस्तों यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, मैं तेरा हीरो 4 अप्रैल 2014 को आलोचनाओं से मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर व्यवसाय रूप से सफल रही है। ऊटी के एक कॉलेज में श्रीनाथ प्रसाद उर्फ सिन्नू अपने अंतिम परीक्षा में 2 अंकों से फेल हो जाता है। डिग्री पाने के लिए उत्सुक वह प्रोफेसर की बेटी को उसकी शादी के दौरान अगवा कर लेता है। अपने प्रोफेसर की उनकी बेटी के बदले में 2 अंक मांगता है। हालांकि सिन्नू गलती से उसे छोड़ देता और अपने माता पिता को अपने घर में आने देता और उसकी योजना विफल हो जाती है। हालांकि सिन्नू के पिता उसे अपने शॉपिंग मॉल में नौकरी का प्रस्ताव देते हैं, लेकिन सिन्नू बेंगलोर के टिप्ट कॉलेज से डिग्री लेने की योजना बनाता है। वह ऊटी से बेंगलोर के लिए ट्रेन पकड़ता है। ट्रेन में वह किशोर लड़कियों का एक समूह को नुकसान पहुंचाने वाले गिरोह की पिटाई करता है। जब सिन्नू बेंगलोर पहुंचता है तो वहां रहने वाला उसका एक दोस्त अनिच्छा से उसे अपने घर में रहने की अनुमति देता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को जरूर से जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है और यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी मैं तेरा हीरो मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले मैं तेरा हीरो मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 4 अप्रैल 2014 को रिलीज हुई कॉमेडी एक्शन मूवी मैं तेरा हीरो, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग के बारे में तो दोस्तों 10 में से 5.1 की दमदार रीडिंग मिली हुई है और दोस्तों 33% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों 77% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। तो दोस्तों इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है।
हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 8 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी 2 घंटे 8 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको वरुण धवन, नरगिस फाकरी, इलियाना डी क्रूज, अरुण दे सिंह, एविलिन शर्मा, अनुपम खेर आदि कलाकार हैं भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के बजट के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 29 करोड़ के करीब था और दोस्तों इस मूवी ने 78 करोड़ का कारोबार किया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। दोस्तों, यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, तेरा हीरो 4 अप्रैल 2014 को आलोचनाओं से मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर व्यवसाय रूप से सफल रही है। ऊटी के एक कॉलेज में श्रीनाथ प्रसाद उर्फ सिन्नू अपने अंतिम परीक्षा में 2 अंकों से फेल हो जाता है। डिग्री पाने के लिए उत्सुक वह प्रोफेसर की बेटी को उसकी शादी के दौरान अगवा कर लेता है। अपने प्रोफेसर की उनकी बेटी के बदले में 2 अंक मांगता है। हालांकि शिनू गलती से उसे छोड़ देता है और अपने माता पिता को अपने घर में आने देता है और उसकी योजना विफल हो जाती है। हालांकि शिनू के पिता उसे अपने शॉपिंग मॉल में नौकरी का प्रस्ताव देते लेकिन शिनू बेंगलोर के टिफ्ट कॉलेज से डिग्री लेने की योजना बनाता है। वह ऊटी से बेंगलोर के लिए ट्रेन पकड़ता है। ट्रेन में वह किशोर लड़कियों को एक समूह को नुकसान पहुंचाने वाले गिरोह की पिटाई करता है। जब सीनू बेंगलोर पहुंचता है तो वहां रहने वाला उसका एक दोस्त अनिच्छा से उसे अपने घर में रहने की अनुमति देता है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को जरूर से जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है और यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप भी मैं तेरा हीरो मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले मैं तेरा हीरो मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 4 अप्रैल 2014 को रिलीज हुई कॉमेडी एक्शन मूवी मैं तेरा हीरो। इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है।
तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग के बारे में तो दोस्तों 10 में से 5.1 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। और दोस्तों 33% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों 77% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। तो दोस्तों इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 8 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 8 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको वरुण धवन, नरगिस फाकरी, इलियाना डी क्रूज, अरुण दे सिंह, एविलिन शर्मा, अनुपम खेर आदि कलाकार हैं भूमिका निभाते नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का बजट 29 करोड़ के करीब था और दोस्तों इस मूवी ने 78 करोड़ का कारोबार किया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। दोस्तों यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, मैं तेरा हीरो 4 अप्रैल 2014 को आलोचनाओं से मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर व्यवसाय रूप से सफल रही है। ऊटी के एक कॉलेज में श्रीनाथ प्रसाद उर्फ सिन्नू अपने अंतिम परीक्षा में 2 अंकों से फेल हो जाता है। डिग्री पाने के लिए उत्सुक वह प्रोफेसर की बेटी को उसकी शादी के दौरान अगवा कर लेता है। अपने प्रोफेसर की उनकी बेटी के बदले में 2 अंक मांगता, हालांकि सिनू गलती से उसे छोड़ देता और अपने माता पिता को अपने घर में आने देता और उसकी योजना विफल हो जाती है। हालांकि सिनू के पिता उसे अपने शॉपिंग मॉल में नौकरी का प्रस्ताव देते हैं, लेकिन सिनू बेंगलोर के टिप्ट कॉलेज से डिग्री लेने की योजना बनाता है। वह ऊटी से बेंगलोर के लिए ट्रेन पकड़ता है। ट्रेन में वह किशोर लड़कियों को एक समूह को नुकसान पहुंचाने वाले गिरोह की पिटाई करता है। जब सिनू बेंगलोर पहुंचता है तो वहां रहने वाला उसका एक दोस्त अनिच्छा से उसे अपने घर में रहने की अनुमति देता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को जरूर से जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है और यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा।
तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी मैं तेरा हीरो मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले मैं तेरा हीरो मूवी के बारे में, तो यह मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 4 अप्रैल 2014 को रिलीज हुई कॉमेडी एक्शन मूवी मैं तेरा हीरो। इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग के बारे में, तो दोस्तों 10 में से 5.1 की दमदार रीडिंग मिली हुई है और दोस्तों 33% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों 77% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। तो दोस्तों इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 8 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 8 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको वरुण धवन, नरगिस फाकरी, इलियाना डी क्रूज, अरुण दे सिंह, एविलिन शर्मा, अनुपम खेर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के बजट के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 29 करोड़ के करीब था और दोस्तों इस मूवी ने 78 करोड़ का कारोबार किया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। दोस्तों यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, मैं तेरा हीरो 4 अप्रैल 2014 को आलोचनाओं से मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर व्यवसाय रूप से सफल रही है। ऊटी के एक कॉलेज में श्रीनाथ प्रसाद उर्फ सिन्नू अपने अंतिम परीक्षा में 2 अंकों से फेल हो जाता है। डिग्री पाने के लिए उत्सुक वह प्रोफेसर की बेटी को उसकी शादी के दौरान अगवा कर लेता है। अपने प्रोफेसर की उनकी बेटी के बदले में 2 अंक मांगता है। हालांकि सिन्नू गलती से उसे छोड़ देता और अपने माता पिता को अपने घर में आने देता और उसकी योजना विफल हो जाती है। हालांकि सिन्नू के पिता उसे अपने शॉपिंग मॉल में नौकरी का प्रस्ताव देते हैं, लेकिन सिन्नू बेंगलोर के टिप्ट कॉलेज से डिग्री लेने की योजना बनाता है। वह ऊटी से बेंगलोर के लिए ट्रेन पकड़ता है। ट्रेन में वह किशोर लड़कियों का एक समूह को नुकसान पहुंचाने वाले गिरोह की पिटाई करता है। जब सिन्नू बेंगलोर पहुंचता है तो वहां रहने वाला उसका एक दोस्त अनिच्छा से उसे अपने घर में रहने की अनुमति देता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना,
यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को जरूर से जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है और यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी मैं तेरा हीरो मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले मैं तेरा हीरो मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 4 अप्रैल 2014 को रिलीज हुई कॉमेडी एक्शन मूवी मैं तेरा हीरो, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग के बारे में तो दोस्तों 10 में से 5.1 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। और दोस्तों 33% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों 77% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। तो दोस्तों इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 8 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 8 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको वरुण धवन, नरगिस फाकरी, इलियाना डी क्रूज, अरुण दे सिंह, एविलिन शर्मा, अनुपम खेर आदि कलाकार हैं भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का बजट 29 करोड़ के करीब था और दोस्तों इस मूवी ने 78 करोड़ का कारोबार किया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। दोस्तों यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा।
बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, मैं तेरा हीरो 4 अप्रैल 2014 को आलोचनाओं से मिश्री समीक्षाओं के साथ रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर व्यवसाय रूप से सफल रही है। ऊटी के एक कॉलेज में श्रीनाथ प्रसाद उर्फ सीनू अपने अंतिम परीक्षा में 2 अंकों से फेल हो जाता है। डिग्री पाने के लिए उत्सुक वह प्रोफेसर की बेटी को उसकी शादी के दौरान अगवा कर लेता है। अपने प्रोफेसर की उनकी बेटी के बदले में 2 अंक मांगता है। हालांकि सीनू गलती से उसे छोड़ देता और अपने माता पिता को अपने घर में आने देता और उसकी योजना विफल हो जाती है। हालांकि सीनू के पिता उसे अपने शॉपिंग मॉल में नौकरी का प्रस्ताव देते लेकिन सीनू बेंगलोर के टिप्ट कॉलेज से डिग्री लेने की योजना बनाता है। वह ऊटी से बेंगलोर के लिए ट्रेन पकड़ता है। ट्रेन में वह किशोर लड़कियों को एक समूह को नुकसान पहुंचाने वाले गिरोह की पिटाई करता है। जब सीनू बेंगलोर पहुंचता है तो वहां रहने वाला उसका एक दोस्त अनिच्छा से उसे अपने घर में रहने की अनुमति देता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को जरूर से जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है और यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी मैं तेरा हीरो मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले मैं तेरा हीरो मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 4 अप्रैल 2014 को रिलीज हुई कॉमेडी एक्शन मूवी मैं तेरा हीरो, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDB रीडिंग के बारे में तो दोस्तों 10 में से 5.1 की दमदार रीडिंग मिली हुई है और दोस्तों 33% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों 77% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। तो दोस्तों इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 8 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना,
यह मूवी 2 घंटा 8 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको वरुण धवन, नरगिस फाकरी, इलियाना डी क्रूज, अरुण दे सिंह, एविलिन शर्मा, अनुपम खेर आदि कलाकार हैं भूमिका निभाते नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का बजट 29 करोड़ के करीब था और दोस्तों इस मूवी ने 78 करोड़ का कारोबार किया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। दोस्तों यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, मैं तेरा हीरो 4 अप्रैल 2014 को आलोचनाओं से मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर व्यवसाय रूप से सफल रही है। ऊटी के एक कॉलेज में श्रीनाथ प्रसाद उर्फ सिन्नू अपने अंतिम परीक्षा में 2 अंकों से फेल हो जाता है। डिग्री पाने के लिए उत्सुक वह प्रोफेसर की बेटी को उसकी शादी के दौरान अगवा कर लेता है। अपने प्रोफेसर की उनकी बेटी के बदले में 2 अंक मांगता है। हालांकि सिनू गलती से उसे छोड़ देता और अपने माता पिता को अपने घर में आने देता और उसकी योजना विफल हो जाती है। हालांकि सिनू के पिता उसे अपने शॉपिंग मॉल में नौकरी का प्रस्ताव देते लेकिन सिनू बेंगलोर के टिप्ट कॉलेज से डिग्री लेने की योजना बनाता है। वह ऊटी से बेंगलोर के लिए ट्रेन पकड़ता है। ट्रेन में वह किशोर लड़कियों को एक समूह को नुकसान पहुंचाने वाले गिरोह की पिटाई करता है। जब सिनू बेंगलोर पहुंचता है तो वहां रहने वाला उसका एक दोस्त अनिच्छा से उसे अपने घर में रहने की अनुमति देता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को जरूर से जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है और यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी मैं तेरा हीरो मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले मैं तेरा हीरो मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 4 अप्रैल 2014 को रिलीज हुई कॉमेडी एक्शन मूवी मैं तेरा हीरो, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए।
बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग के बारे में तो दोस्तों 10 में से 5.1 की दमदार रीडिंग मिली हुई है और दोस्तों 33% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों 77% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। तो दोस्तों इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 8 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 8 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको वरुण धवन, नरगिस फाकरी, इलियाना डी क्रूज, अरुण दे सिंह, एविलिन शर्मा, अनुपम खेर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का बजट 29 करोड़ के करीब था और दोस्तों इस मूवी ने 78 करोड़ का कारोबार किया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। दोस्तों यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, मैं तेरा हीरो 4 अप्रैल 2014 को आलोचनाओं से मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर व्यवसाय रूप से सफल रही है। ऊटी के एक कॉलेज में श्रीनाथ प्रसाद उर्फ सिन्नू अपने अंतिम परीक्षा में 2 अंकों से फेल हो जाता है। डिग्री पाने के लिए उत्सुक वह प्रोफेसर की बेटी को उसकी शादी के दौरान अगवा कर लेता है। अपने प्रोफेसर की उनकी बेटी के बदले में 2 अंक मांगता है। हालांकि सिन्नू गलती से उसे छोड़ देता और अपने माता पिता को अपने घर में आने देता और उसकी योजना विफल हो जाती है। हालांकि सिन्नू के पिता उसे अपने शॉपिंग मॉल में नौकरी का प्रस्ताव देते हैं, लेकिन सिन्नू बेंगलोर के टिप्ट कॉलेज से डिग्री लेने की योजना बनाता है। वह ऊटी से बेंगलोर के लिए ट्रेन पकड़ता है। ट्रेन में वह किशोर लड़कियों का एक समूह को नुकसान पहुंचाने वाले गिरोह की पिटाई करता है। जब सिन्नू बेंगलोर पहुंचता है तो वहां रहने वाला उसका एक दोस्त अनिच्छा से उसे अपने घर में रहने की अनुमति देता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को जरूर से जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है और यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर अभी मैं तेरा हीरो मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले मैं तेरा हीरो मूवी के बारे में।
तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 4 अप्रैल 2014 को रिलीज हुई कॉमेडी एक्शन मूवी में तेरा हीरो, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग के बारे में तो दोस्तों 10 में से 5.1 की दमदार रीडिंग मिली हुई है और दोस्तों 33% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों 77% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। तो दोस्तों इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 8 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 8 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको वरुण धवन, नरगिस फाकरी, इलियाना डी क्रूज, अरुण दे सिंह, एविलिन शर्मा, अनुपम खेर आदि कलाकार हैं भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का बजट 29 करोड़ के करीब था और दोस्तों इस मूवी ने 78 करोड़ का कारोबार किया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। दोस्तों यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, मैं तेरा हीरो 4 अप्रैल 2014 को आलोचनाओं से मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर व्यवसाय रूप से सफल रही है। ऊटी के एक कॉलेज में श्रीनाथ प्रसाद उर्फ सिन्नू अपने अंतिम परीक्षा में 2 अंकों से फेल हो जाता है। डिग्री पाने के लिए उत्सुक वह प्रोफेसर की बेटी को उसकी शादी के दौरान अगवा कर लेता है। अपने प्रोफेसर की उनकी बेटी के बदले में 2 अंक मांगता है। हालांकि सिनू गलती से उसे छोड़ देता है और अपने माता पिता को अपने घर में आने देता है और उसकी योजना विफल हो जाती है। हालांकि सिनू के पिता उसे अपने शॉपिंग मॉल में नौकरी का प्रस्ताव देते लेकिन सिनू बेंगलोर के टिफ्ट कॉलेज से डिग्री लेने की योजना बनाता है। वह ऊटी से बेंगलोर के लिए ट्रेन पकड़ता है। ट्रेन में वह किशोर लड़कियों का एक समूह को नुकसान पहुंचाने वाले गिरोह की पिटाई करता है। जब सिनू बेंगलोर पहुंचता है तो वहां रहने वाला उसका एक दोस्त अनिच्छा से उसे अपने घर में रहने की अनुमति देता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर YouTube पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को जरूर से जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा।
दोस्तों यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है और यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी मैं तेरा हीरो मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले मैं तेरा हीरो मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 4 अप्रैल 2014 को रिलीज हुई कॉमेडी एक्शन मूवी मैं तेरा हीरो, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग के बारे में, तो दोस्तों 10 में से 5.1 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। और दोस्तों 33% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों 77% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। तो दोस्तों इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 8 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 8 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको वरुण धवन, नरगिस फाकरी, इलियाना डी क्रूज, अरुण दे सिंह, एविलिन शर्मा, अनुपम खेर आदि कलाकार हैं भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के बजट के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 29 करोड़ के करीब था और दोस्तों इस मूवी ने 78 करोड़ का कारोबार किया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। दोस्तों यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, मैं तेरा हीरो 4 अप्रैल 2014 को आलोचनाओं से मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर व्यवसाय रूप से सफल रही है। ऊटी के एक कॉलेज में श्रीनाथ प्रसाद उर्फ सिन्नू अपने अंतिम परीक्षा में 2 अंकों से फेल हो जाता है।
डिग्री पाने के लिए उत्सुक वह प्रोफेसर की बेटी को उसकी शादी के दौरान अगवा कर लेता है। अपने प्रोफेसर की उनकी बेटी की बेटी के बदले में 2 अंक मांगता है। हालांकि शिनू गलती से उसे छोड़ देता और अपने माता पिता को अपने घर में आने देता और उसकी योजना विफल हो जाती है। हालांकि शिनू के पिता उसे अपने शॉपिंग मॉल में नौकरी का प्रस्ताव देते हैं, लेकिन शिनू बेंगलोर के टिप्ट कॉलेज से डिग्री लेने की योजना बनाता है। वह ऊटी से बेंगलोर के लिए ट्रेन पकड़ता है। ट्रेन में वह किशोर लड़कियों को एक समूह को नुकसान पहुंचाने वाले गिरोह की पिटाई करता है। जब शिनू बेंगलोर पहुंचता है तो वहां रहने वाला उसका एक दोस्त अनिच्छा से उसे अपने घर में रहने की अनुमति देता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को जरूर से जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है और यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी मैं तेरा हीरो मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले मैं तेरा हीरो मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 4 अप्रैल 2014 को रिलीज हुई कॉमेडी एक्शन मूवी मैं तेरा हीरो। इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDB रीडिंग के बारे में तो दोस्तों 10 में से 5.1 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। और दोस्तों 33% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों 77% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। तो दोस्तों इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 8 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 8 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको वरुण धवन, नरगिस फाकरी, इलियाना डी क्रूज, अरुण देसिंह, एविलिन शर्मा,
अनुपम खेर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का बजट 29 करोड़ के करीब था और दोस्तों इस मूवी ने 78 करोड़ का कारोबार किया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। दोस्तों यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में। मैं तेरा हीरो 4 अप्रैल 2014 को आलोचनाओं से मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर व्यवसाय रूप से सफल रही है। ऊटी के एक कॉलेज में श्रीनाथ प्रसाद उर्फ सिन्नू अपने अंतिम परीक्षा में 2 अंकों से फेल हो जाता है। डिग्री पाने के लिए उत्सुक वह प्रोफेसर की बेटी को उसकी शादी के दौरान अगवा कर लेता है। अपने प्रोफेसर की उनकी बेटी के बदले में 2 अंक मांगता है। हालांकि सिन्नू गलती से उसे छोड़ देता और अपने माता पिता को अपने घर में आने देता और उसकी योजना विफल हो जाती है। हालांकि सिन्नू के पिता उसे अपने शॉपिंग मॉल में नौकरी का प्रस्ताव देते लेकिन सिन्नू बेंगलोर के टिप्ट कॉलेज से डिग्री लेने की योजना बनाता है। वह ऊटी से बेंगलोर के लिए ट्रेन पकड़ता है। ट्रेन में वह किशोर लड़कियों को एक समूह को नुकसान पहुंचाने वाले गिरोह की पिटाई करता है। जब सिन्नू बेंगलोर पहुंचता है तो वहां रहने वाला उसका एक दोस्त अनिच्छा से उसे अपने घर में रहने की अनुमति देता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को जरूर से जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है और यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर अभी मैं तेरा हीरो मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले मैं तेरा हीरो मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 4 अप्रैल 2014 को रिलीज हुई कॉमेडी एक्शन मूवी मैं तेरा हीरो, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग के बारे में तो दोस्तों 10 में से 5.1 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। और दोस्तों 33% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए।
दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाले वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों 77% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। तो दोस्तों इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 8 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 8 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको वरुण धवन, नरगिस फाकरी, इलियाना डी क्रूज, अरुण दे सिंह, एविलिन शर्मा, अनुपम खेर आदि कलाकार हैं भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का बजट 29 करोड़ के करीब था और दोस्तों इस मूवी ने 78 करोड़ का कारोबार किया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। दोस्तों यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तेरा हीरो 4 अप्रैल 2014 को आलोचनाओं से मिश्री समीक्षाओं के साथ रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर व्यवसाय रूप से सफल रही है। ऊटी के एक कॉलेज में श्रीनाथ प्रसाद उर्फ सिन्नू अपने अंतिम परीक्षा में 2 अंकों से फेल हो जाता है। डिग्री पाने के लिए उत्सुक वह प्रोफेसर की बेटी को उसकी शादी के दौरान अगवा कर लेता है। अपने प्रोफेसर की उनकी बेटी के बदले में 2 अंक मांगता है। हालांकि शिनू गलती से उसे छोड़ देता है और अपने माता पिता को अपने घर में आने देता है, उसकी योजना विफल हो जाती है। हालांकि शिनू के पिता उसे अपने शॉपिंग मॉल में नौकरी का प्रस्ताव देते लेकिन शिनू बेंगलोर के टिप्ट कॉलेज से डिग्री लेने की योजना बनाता है। वह ऊटी से बेंगलोर के लिए ट्रेन पकड़ता है। ट्रेन में वह किशोर लड़कियों का एक समूह को नुकसान पहुंचाने वाले गिरोह की पिटाई करता है। जब सीनू बेंगलोर पहुंचता है तो वहां रहने वाला उसका एक दोस्त अनिच्छा से उसे अपने घर में रहने की अनुमति देता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को जरूर से जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है और यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी मैं तेरा हीरो मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले मैं तेरा हीरो मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा।
4 अप्रैल 2014 को रिलीज हुई कॉमेडी एक्शन मूवी मैं तेरा हीरो। इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग के बारे में, तो दोस्तों 10 में से 5.1 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। और दोस्तों 33% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों 77% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। तो दोस्तों इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 8 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 8 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको वरुण धवन, नरगिस फाकरी, इलियाना डी क्रूज, अरुण दे सिंह, एविलिन शर्मा, अनुपम खेर आदि कलाकार हैं भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के बजट के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 29 करोड़ के करीब था। और दोस्तों इस मूवी ने 78 करोड़ का कारोबार किया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। दोस्तों यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, मैं तेरा हीरो 4 अप्रैल 2014 को आलोचनाओं से मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर व्यवसाय रूप से सफल रही है। ऊटी के एक कॉलेज में श्रीनाथ प्रसाद उर्फ सिन्नू अपनी अंतिम परीक्षा में 2 अंकों से फेल हो जाता है। डिग्री पाने के लिए उत्सुक वह प्रोफेसर की बेटी को उसकी शादी के दौरान अगवा कर लेता है। अपने प्रोफेसर की उनकी बेटी के बदले में 2 अंक मांगता है। हालांकि सिनू गलती से उसे छोड़ देता और अपने माता पिता को अपने घर में आने देता और उसकी योजना विफल हो जाती है। हालांकि सिनू के पिता उसे अपने शॉपिंग मॉल में नौकरी का प्रस्ताव देते लेकिन सिनू बेंगलोर के टिप्ट कॉलेज से डिग्री लेने की योजना बनाता है। वह ऊटी से बेंगलोर के लिए ट्रेन पकड़ता है। ट्रेन में वह किशोर लड़कियों का एक समूह को नुकसान पहुंचाने वाले गिरोह की पिटाई करता है। जब सिनू बेंगलोर पहुंचता है तो वहां रहने वाला उसका एक दोस्त अनिच्छा से उसे अपने घर में रहने की अनुमति देता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को जरूर से जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा।
और दोस्तों इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है और यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी मैं तेरा हीरो मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले मैं तेरा हीरो मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 4 अप्रैल 2014 को रिलीज हुई कॉमेडी एक्शन मूवी मैं तेरा हीरो। इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग के बारे में तो दोस्तों 10 में से 5.1 की दमदार रीडिंग मिली हुई है और दोस्तों 33% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा और दोस्तों 77% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। तो दोस्तों इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 8 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 8 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको वरुण धवन, नरगिस फाकरी, इलियाना डी क्रूज, अरुण दे सिंह, एविलिन शर्मा, अनुपम खेर आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का बजट 29 करोड़ के करीब था और दोस्तों इस मूवी ने 78 करोड़ का कारोबार किया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। दोस्तों यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, मैं तेरा हीरो 4 अप्रैल 2014 को आलोचनाओं से मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर व्यवसाय रूप से सफल रही है। ऊटी के एक कॉलेज में श्रीनाथ प्रसाद उर्फ सिन्नु अपने अंतिम परीक्षा में 2 अंकों से फेल हो जाता है। डिग्री पाने के लिए उत्सुक वह प्रोफेसर की बेटी को उसकी शादी के दौरान अगवा कर लेता है। अपने प्रोफेसर की उनकी बेटी के बदले में 2 अंक मांगता है। हालांकि सिन्नु गलती से उसे छोड़ देता और अपने माता पिता को अपने घर में आने देता और उसकी योजना विफल हो जाती है। हालांकि सिन्नु के पिता उसे अपने शॉपिंग मॉल में नौकरी का प्रस्ताव देते लेकिन सिन्नु बेंगलोर के
टिप्ट कॉलेज से डिग्री लेने की योजना बनाता है। वह ऊटी से बेंगलोर के लिए ट्रेन पकड़ता है। ट्रेन में वह किशोर लड़कियों का एक समूह को नुकसान पहुंचाने वाले गिरोह की पिटाई करता है। जब सीनू बेंगलोर पहुंचता है तो वहां रहने वाला उसका एक दोस्त अनिच्छा से उसे अपने घर में रहने की अनुमति देता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को जरूर से जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है और यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी मैं तेरा हीरो मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले मैं तेरा हीरो मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 4 अप्रैल 2014 को रिलीज हुई कॉमेडी एक्शन मूवी मैं तेरा हीरो। इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDB रीडिंग के बारे में तो दोस्तों 10 में से 5.1 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। और दोस्तों 33% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों 77% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। तो दोस्तों इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 8 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 8 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको वरुण धवन, नरगिस फाकरी, इलियाना डी क्रूज, अरुण दे सिंह, एविलिन शर्मा, अनुपम खेर आदि कलाकार हैं भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा।
बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी का बजट 29 करोड़ के करीब था और दोस्तों इस मूवी ने 78 करोड़ का कारोबार किया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। दोस्तों यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में तेरा हीरो 4 अप्रैल 2014 को आलोचनाओं से मिश्री समीक्षाओं के साथ रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर व्यवसाय रूप से सफल रही है। ऊटी के एक कॉलेज में श्रीनाथ प्रसाद उर्फ सीनू अपने अंतिम परीक्षा में 2 अंकों से फेल हो जाता है। डिग्री पाने के लिए उत्सुक वह प्रोफेसर की बेटी को उसकी शादी के दौरान अगवा कर लेता है। अपने प्रोफेसर की उनकी बेटी के बदले में 2 अंक मांगता है। हालांकि शिनू गलती से उसे छोड़ देता है और अपने माता पिता को अपने घर में आने देता है, उसकी योजना विफल हो जाती है। हालांकि शिनू के पिता उसे अपने शॉपिंग मॉल में नौकरी का प्रस्ताव देते हैं, लेकिन शिनू बेंगलोर के टिप्ट कॉलेज से डिग्री लेने की योजना बनाता है। वह ऊटी से बेंगलोर के लिए ट्रेन पकड़ता है। ट्रेन में वह किशोर लड़कियों का एक समूह को नुकसान पहुंचाने वाले गिरोह की पिटाई करता है। जब सीनू बेंगलोर पहुंचता है तो वहां रहने वाला उसका एक दोस्त अनिच्छा से उसे अपने घर में रहने की अनुमति देता है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी की कहानी, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को जरूर से जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है और यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी मैं तेरा हीरो मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले मैं तेरा हीरो मूवी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। 4 अप्रैल 2014 को रिलीज हुई कॉमेडी एक्शन मूवी मैं तेरा हीरो, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया डेविड धवन ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी की कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग के बारे में तो दोस्तों 10 में से 5.1 की दमदार रीडिंग मिली हुई है और दोस्तों 33% रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों 77% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। तो दोस्तों इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है।
हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप टेलीविजन के चैनल पर भी जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में तो दोस्तों, यह मूवी 2 घंटे 8 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी 2 घंटे 8 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों तो दोस्तों, इस मूवी के अंदर आपको वरुण धवन, नरगिस फाकरी, इलियाना डी क्रूज, अरुण देव सिंह, एविलिन शर्मा, अनुपम खेर आदि कलाकार हैं भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी के बजट के बारे में तो दोस्तों, इस मूवी का बजट 29 करोड़ के करीब था और दोस्तों, इस मूवी ने 78 करोड़ का कारोबार किया है। तो यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। दोस्तों, यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको काफी सारी वेबसाइटों पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, तेरा हीरो 4 अप्रैल 2014 को आलोचनाओं से मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर व्यवसाय रूप से सफल रही है। ऊटी के एक कॉलेज में श्रीनाथ प्रसाद उर्फ सीनू अपनी अंतिम परीक्षा में 2 अंकों से फेल हो जाता है। डिग्री पाने के लिए उत्सुक वह प्रोफेसर की बेटी को उसकी शादी के दौरान अगवा कर लेता है। अपने प्रोफेसर की उनकी बेटी के बदले में 2 अंक मांगता है। हालांकि शिनू गलती से उसे छोड़ देता और अपने माता पिता को अपने घर में आने देता और उसकी योजना विफल हो जाती है। हालांकि शिनू के पिता उसे अपने शॉपिंग मॉल में नौकरी का प्रस्ताव देते हैं, लेकिन शिनू बेंगलोर के टिप्ट कॉलेज से डिग्री लेने की योजना बनाता है और वह ऊटी से बेंगलोर के लिए ट्रेन पकड़ता है। ट्रेन में वह किशोर लड़कियों को एक समूह को नुकसान पहुंचाने वाले गिरोह की पिटाई करता है। जब सीनू बेंगलोर पहुंचता है तो वहां रहने वाला उसका एक दोस्त अनिच्छा से उसे अपने घर में रहने की अनुमति देता है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी की कहानी। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को जरूर से जरूर शेयर और लाइक कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मूवी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री में देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इस मूवी के क्लिप आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी देखने को मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद आने वाली है और यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।